स्टूडेंट, मैं प्रदीप साहू। आप देख रहे हैं प्रदीप साहू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें से केमिस्ट्री के हमने आज 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लाया है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि और सभी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, अगर इसके पहले हम आप बताना चाहेंगे, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। तो आइए पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टली ठोस में होती है क्या होती है? तो एक जो क्रिस्टली ठोस होता है उसमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। कोई भी क्रिस्टली ठोस हो तो उसमें एक दीर्घ परास की व्यवस्था पाई जाती है, जिसे क्रिस्टली ठोस कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये आ गया स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आ गया है, पोटेशियम सल्फेट है। तो यहाँ पोटेशियम सल्फेट क्या होता है? यह होता है आयनिक ठोस होता है, एक प्रकार का आयनिक ठोस होता है। जो पोटेशियम सल्फेट है, ये एक प्रकार का आयनिक ठोस है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखल तथा षटकी दोष दोनों उत्पन्न करने वाला यौगिक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट एकदम हम बता रहे हैं, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर याद करके जाइए, एग्जाम में हर एग्ज़ाम में आता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देता है। तो AGBR है, और यहाँ पर आपको बता दें कि फ्रेंकल दोष और षटकी दोष क्या क्या है। तो जो षटकी दोष होता है, इसमें जो धन आयन और ऋण आयन प्लस और माइनस दोनों, मतलब कि क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, एकदम क्रिस्टल से अलग ही हो जाते हैं, इसमें घनत्व इसका कम हो जाता है। और जो फ्रेंकल दोष होता है, इसमें होता है जो धन आयन होता है, धन आयन वो अपने अंतराकाशीय छिद्र में चला जाता है। अंतराकाशीय कोई स्थान होता है, जैसे कि यहाँ है, इसमें ऐसे गोले लगे हुए हैं, तो यहीं पर कहीं छिप जाता है, बाहर नहीं जाता, इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेटवर्क ठोस है तो नेटवर्क ठोस कौन सा होता है? तो हीरे को नेटवर्क ठोस कहते हैं, यह एक प्रकार का नेटवर्क ठोस होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के दोष में धन आयन अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होता है? तो किस प्रकार के दोष में धन आयन अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित होता है? यह भी हमने बताया कि जो फ्रेंकल दोष है, इसमें अंतराकाशीय स्थल में जो धन आयन होता है वो तो चला जाता है, और जो षटकी दोष होता है उसमें बाहर ही निकल जाता है, उस क्रिस्टल से बाहर चला जाता है धन आयन और ऋण आयन। तो आइए देखते हैं, इसमें जो फ्रेंकल दोष होता है, इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जो षटकी दोष होता है उसमें घनत्व घट जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCC में रिक्त स्थानों का प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सही से पढ़िएगा बच्चे, क्या देखते हैं कि BCC दिया तो ये 68% मार दिया क्वेश्चन में, दे देता है, जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्नों में दे दिया 2-4 बहुविकल्पी। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है, रिक्त स्थानों में BCC में रिक्त स्थानों का प्रतिशत पूछ रहा है, यहाँ 68% वाला नहीं पूछ रहा है। यह इससे जो रिक्त स्थान है, ये तो पूरा क्रिस्टल होता है, 68% इसमें भाग होता है BCC का, लेकिन जो 32% होता है वो खाली स्थान होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों का प्रतिशत पूछ रहा है, यहाँ पर रिक्त स्थानों को प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए हमारा 32% हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक क्या होता है? ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है, आप सभी जानते होंगे प्लास्टिक एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये आगे स्क्रीन पे, किस प्रकार के पिस्ता का गलनांक उच्च होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, सह संयोजक क्रिस्टल का जो गलनांक होता है ये उच्च होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घनत्व का सूत्र क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो डी इक्वल टू जडियम अपान ए क्यू गुणे एन ए होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन जी हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है 1000 नंबर। आज हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लाया है। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। CCP संरचना में संकुलन दक्षता होती है कितनी होती है, 74%। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके और वीडियो को आप दे सकें। तो थैंक यू।